अमेरिका का ह्यूस्टन शहर, यहाँ नासा का जॉनसन स्पेस सेंटर है। एक लड़की इस स्पेस सेंटर में काम करने वाले लोगों को देखकर रोज इंस्पायर हुआ करती थी। वो दिन में लोगों को अंतरिक्ष यात्री बनने की तैयारी करते देखती थी और रात में सपनों के जरिए तारों की सैर किया करती थी। दिमाग में जुनून था कि स्पेस में जाना है, अंतरिक्ष यात्री बनना है। कोर्स भी पूरा किया, फिर नासा में अप्लाई किया, लेकिन आंख की रोशनी कम होने की वजह से सपना तब पूरा नहीं हो सका। तो मेहनत जारी रखी, हार नहीं मानी, पूरी लगन से लगी रही और अब जाकर उसका सपना पूरा होने जा रहा है। Ever since I got the news that I'm going to space, I've been dreaming about it. So I'm just so excited. And it's clearly there in my mind. तो ये है कहानी आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक छोटे से गांव चिराला की रहने वाली 34 साल की सिरिशा बांदला की, जिसके माता पिता ने पैदा होने के बाद से ही उसे दादा दादी के पास छोड़ दिया, क्योंकि वो दोनों अमेरिका में नौकरी करते थे। लेकिन जब सिरिशा 4 साल की थी, तभी एक फैमिली फ्रेंड के साथ अमेरिका पहुंच गई। सिरिशा का परिवार उस वक्त ह्यूस्टन शहर में रहता था। यहाँ जॉनसन नाम से नासा का एक स्पेस सेंटर था। यहाँ अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से रूबरू होते हुए सिरिशा बड़ी होने लगी। बांदला ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने देखना शुरू किया कि कैसे लोग अंतरिक्ष यात्री बनते हैं। उसके बाद मैंने इसी फील्ड में अपना करियर बनाने का फैसला किया। साल 2011 में सिरिशा ने एयरोस्पेस और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और सिरिशा ने नासा के लिए अप्लाई किया। लेकिन सिरिशा की आंखों की रोशनी कम थी, उसका सिलेक्शन नहीं हो सका। फिर सिरिशा के एक प्रोफेसर ने उन्हें स्पेस पॉलिसी की पढ़ाई करने की सलाह दी। सिरिशा ने जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और साल 2015 में वहां से MBA की डिग्री ली। यहीं से शुरू हुआ सिरिशा का स्पेस तक पहुंचने का असली सफर। डिग्री लेते ही सिरिशा ने रिचर्ड ब्रेंसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक्स ज्वाइन कर ली। महज 2 साल में उनके काम से प्रभावित होकर कंपनी ने उनका प्रमोशन किया। साल 2017 में वो वर्जिन गैलेक्टिक्स की बिजनेस डेवलपमेंट और गवर्नमेंट अफेयर्स मैनेजर बन गए और अब सिरिशा कंपनी के मालिक रिचर्ड ब्रेंसन के साथ स्पेस की यात्रा पर जा रही हैं। सिरिशा के अलावा इस मिशन पर 5 और लोग भी जा रहे हैं। आइए उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। पहले हैं डेविड मैकी, ये इस एयर स्पेस के चीफ पायलट होंगे। डेविड साल 2009 में वर्जिन गैलेक्टिक्स के साथ जुड़े हुए हैं और कई सारे प्रोजेक्ट में शामिल रहे हैं। माइकल मैकसूची, ये अमेरिकी एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और नासा के स्पेस शटल के कमांडर रह चुके हैं और अब वर्जिन गैलेक्टिक्स के स्पेस फ्लाइटल में पायलट होंगे। कॉलिन बेनेट, ये वर्जिन गैलेक्टिक्स के प्रमुख इंजीनियर हैं। कॉलिन स्पेस प्लेन में इन फ्लाइट सभी केबिन गतिविधियों को लीड करेंगे। इनके रिसर्च से मिले डेटा के जरिए वर्जिन गैलेक्टिक्स भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों की सुविधाओं पर काम करेगा। बेथ मोसेस, ये वर्जिन गैलेक्टिक्स के स्पेसशिप 2 प्लान की चीफ मैनेजर हैं। बेथ कमर्शियली लॉन्च व्हीकल में यात्रा करने वाली पहली महिला थी। नासा के लिए बेथ ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की असेंबली मैनेजर के तौर पर भी काम किया है। और अब बात रिचर्ड ब्रेंसन की, एक वर्जिन गैलेक्टिक्स कंपनी के मालिक हैं। साल 1970 में इन्होंने वर्जिन ग्रुप की स्थापना की थी और आज 400 से ज्यादा कंपनियों को कंट्रोल करते हैं। ये इस फ्लाइट में आने वाले वक्त में स्पेस यात्रा करने वाले लोगों के एक्सपीरियंस का इवैल्यूएशन करेंगे। भारतीय मूल की सिरिशा स्पेस की यात्रा को लेकर कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने साथ भारत को भी ऊपर लेकर जा रही हूँ। ऐसे ही इंस्पायरिंग और नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियोस देखने के लिए जुड़े। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।